माही माही ढाई घंटे से 250 मैं दर्शन के जा रहा हूँ। मैं सुबह के बज गए 3 और इस टाइम अंधेरे में मैं निकल रही हूँ पूरा तैयार होके। तो भाई अपनी गड्डी जो है वो रेडी है। सुबह के देख लो भाई टाइम बजे है 3:30 का ऑलमोस्ट होने वाला है और अपन चलते हैं, देखते हैं रास्ते में क्या हाल चाल है। तो भाई सुबह के अभी सिर्फ 4 हैं और आप देखो ट्रैफिक अभी से लगने लगा है। यहाँ पे हो रही है चेकिंग रजिस्ट्रेशन की और भीड़ लगी हुई है। सारी बड़ी बड़ी बसें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। लगभग 7:30 हैं और गंगोत्री में पहुंच गई हूं। अगर मेरे आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ देखोगे तो मोस्टली बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि चारधाम की यात्रा मोस्टली बुजुर्ग लोग ही करते हैं। अभी अंदर चलेंगे, लगभग 500 यानी आधा किलोमीटर मुझे चलना पड़ेगा, उसके बाद में मंदिर के पास पहुँचूंगी। तो भाई जो रोड की कंडीशन है वो बिल्कुल सही है, रोड अच्छी खासी बनी हुई है, दोनों तरफ आपको गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। गाड़ियाँ यहाँ पे इतनी ज़्यादा लग जाती है, अभी तो सुबह ही हुई है क्योंकि मैं 3 निकली थी इसलिए अभी गाड़ियाँ कम है। जैसे जैसे दिन का टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गाड़ियाँ बढ़ती जाएगी और फिर आपको और दूर दूर तक ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो मंदिर का जो मेन प्रांगण है वो बस शुरू होने वाला है। सामने आपको जो ये बस दिख रही है ये बसें सीधी चलती है उत्तरकाशी, जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ से अगर आपको बस में आना है तो बस में भी आ सकते हो, सीधी बस आती है। तो यहाँ पे जो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो उसको आपको चेक करवाना पड़ता है। आपको गंगोत्री का अगर जल वगैरह ले जाना होता है तो यहीं पे आपको मिल जाती है ये कैन वगैरह, जिनको आप यहीं से खरीद सकते हो और फिर गंगा जल यहीं से भर के लेकर जा सकते हो। यहाँ पे जिनको पूजा अर्चना करवानी होती है वो लोग यहाँ पे पूजा भी करवा सकते हैं। तो मंदिर उस साइड पर है और लाइन जो है वो यहीं से लग गई है। अब देख लो सुबह सुबह अभी बस शुरू ही हुआ है, उसमें इतनी लंबी लाइन है। ये लाइन यहाँ से जा रही है उस साइड पर, फिर से घूमी हुई है और फिर उस तरफ जो है मंदिर है, ये देखिए वहाँ तक भी लाइन आपको दिख रही है। तो पूरी ऐसे घूम के बहुत लंबी सी लाइन है जो दर्शन के लिए जा रही है। देखते हैं कितने देर में दर्शन पूर्ण हो पाते हैं। इधर बहुत तेजी से गंगा बह रही है, जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, पाठ पूजा करवा रहे हैं। यहाँ पे सब पंडित लोग होते हैं, आप जिनसे चाहे पूजा वगैरह करवा सकते हैं और गंगा में नहा भी सकते हैं, बहुत ठंडा पानी होता है। तो लाइन में लगे हुए लगभग 1 हो गया है, 1 से लाइन बस चल रही है। लड़ाई झगड़ा सब कुछ चल रहा है क्योंकि कोई प्रॉपर बारकेडिंग नहीं लगी हुई, कुछ लगा हुआ नहीं जिससे कि सेग्रीगेट हो जाए। लोग चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बट एनी हाउ आगे बढ़ रहे हैं और दर्शन देखते हैं कब होते हैं। महादेव
तो मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद। तो मंदिर के बिल्कुल सामने मैं आ चुकी हूँ और यहाँ से मंदिर दिखने लगा है। बिल्कुल छोटी सी एक लाइन से ही अंदर एंट्री हो रही है, बाकी बीच में शटर लगा हुआ है। पीछे है बहुत ही सुंदर पहाड़, इस साइड पे धर्मशालाएँ बनी हुई है जिसमें सिर्फ साधु संत रहा करते हैं, और भीड़ का जो आलम है वो कुछ इस प्रकार से है। तो सामने की ओर जो दिख रहा है वो मेन मंदिर है, उसके पास में उस साइड पे एक और मंदिर है और इस साइड पे एक और मंदिर है। ये मेन प्रांगण है जहाँ पे सारे दर्शन होते हैं। इधर से एंट्री होके पूरा घूम के आते हैं, लेकिन जब भीड़ नहीं होती है, आप अगर जुलाई अगस्त के मौसम में आओगे तो उस साइड से भी आ सकते हो, वहाँ से सीधी एंट्री हो जाती है। भाई मंदिर के बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं। बाहर ही बोर्ड लगा हुआ है कि गर्भगृह के अंदर फोटो लेना सख्त मना है, तो अंदर तो नहीं हो पाएगा। इधर साइड में पर्चियां चेक हो रही है, किसी के पास पिंक है, किसी के पास येलो है। जिनके पास पिंक है उनको अंदर नहीं जाने दे रहे, जिनके पास में पीली पर्ची है उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। ये देखिए अभी ये लोग VIP दर्शन के अंदर जा रहे हैं। कुछ लोगों को अनुमति है, कुछ लोगों को नहीं है। तो ये वाला जो है ये है मेन मंदिर, और इसी के पास में यहाँ पे सामने शिवलिंग भी बना हुआ है। इधर गणेश जी का मंदिर भी है, और यहीं पे आपको विशेष अगर पूजा करवानी है तो उसकी रसीद मिलती है। VIP दर्शन करवाना है तो भी आपको यहीं से रसीद मिलती है। लगभग 350 रुपये की रसीद होती है जो आप लेके अंदर मंदिर की तरफ जाते हो, और मंदिर के अंदर ही आपकी पूजा करवाई जाती है। तो ये जो नंबर के अनाउंसमेंट हो रही है ये वही नंबर है जिनका अब नंबर आने वाला है VIP दर्शन के लिए। भाई लगभग 1 से 2 सेकंड के लिए आपको दर्शन होते हैं, लेकिन उस 2 सेकंड में ही आपको ऐसा लगता है कि भाई इतनी दूर आना वसूल हो गया। क्या कि जो प्रतिमा है वो बिल्कुल काले रंग की है, और 3 प्रतिमाएं टोटल रखी हुई है अंदर। भीड़ का आलम देखोगे तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी है, क्योंकि अभी शुरुआती दिन है, पहला ही एक तरह से दिन है खुलने के बाद में, तो काफ़ी सही यात्रा में ये दर्शन हो गए। लगभग 3:30 करीबन मैं निकली थी उत्तराकाशी से। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है गंगोत्री का। पहुंचने में मुझे लगा लगभग 4 घंटा। 7:30 बजे यहाँ पहुँचे और अभी 12 बज रहा है। 7:30 से 12 बज गया दर्शन करके और सब कुछ कंप्लीट करके वापस पार्किंग स्पेस तक आने में। 12:30 बजे टॉयलेट आ रही है, बट कहीं जा ही नहीं सकती मैं। अब ये देखो आप, एक तरफ गाड़ियाँ खड़ी है, दूसरी तरफ सिर्फ बाइक के आने की जगह है। तो अब जब तक उस साइड से गाड़ियाँ पास नहीं होंगी, इन गाड़ियों को आगे जाने नहीं दिया जाएगा। और इसी तरह से घंटों से बस खड़े हैं। ड्राइवर साहब भी अपनी सीट छोड़ के बाहर खड़े हो गए हैं। सबकी उम्मीदें ऐसे लग रहा ख़त्म हो गई है, पता नहीं शाम तक इसी तरह से चलेगा।